Hello friends, my name is Dr. Deepak and I'm a plastic and cosmetic surgeon working in Delhi NCR. आज हम बात कर रहे हैं आर्म लाइपोसक्शन के बारे में. विद द एडवेंट ऑफ न्यू क्लोथ्स, कट स्लीव्स पहनना आजकल फैशन में है. फीमेल्स लव टू वेयर कट स्लीव्स, वो ड्रेसेस जिसमें दे कैन शो ऑफ देयर आर्म्स. नाउ अनफॉर्चुनेटली कुछ फीमेल्स के आर्म्स में बहुत ज़्यादा फैट होता है, कई बार स्किन सैग भी करती है. एंड व्हेन दे आर होल्डिंग देयर आर्म्स लाइक दिस, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट दिख रहा होता है या फिर वो स्किन नीचे लटक रही होती है. इसके करेक्शन के लिए जो सर्जरी होती है वो होती है आर्म लाइपोसक्शन या फिर ब्रेकीप्लास्टी. दोनों में डिफरेंस क्या है, वील टेल यू. आर्म लाइपोसक्शन इज डन फॉर फीमेल्स जिनके पोस्टीरियर एस्पेक्ट यानी कि पीछे की तरफ आर्म पे एक्स्ट्रा फैट है और स्किन अच्छी क्वालिटी की है. किसी भी लाइपोसक्शन प्रोसीजर की तरह अगर आपकी स्किन अच्छी है तो सिर्फ लाइपोसक्शन से अच्छे रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं. इन फीमेल्स में हम ये एक्स्ट्रा फैट एक बहुत ही छोटे इंसिजन से जो कि हम एल्बो के पास देते हैं उसे निकाल देते हैं. आफ्टरवर्ड्स पेशेंट्स प्रेशर गारमेंट पहनते हैं और वो स्किन धीरे धीरे रिट्रैक्ट होकर ड्रेप हो जाती है एंड दे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. नाउ अनदर प्रॉब्लम अराइजेज अगर ये स्किन जरूरत से ज्यादा सैगी है यानी कि बहुत ज्यादा ढीली है. उस केस में सिर्फ लाइपोसक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा. जैसे कि टमी में जब स्किन लाइट सैग नहीं करती है तो लाइपोसक्शन से काम चल जाता है और अगर स्किन सैग होती है तो टमी टक करना पड़ता है. उसी तरह से आर्म में अगर स्किन बहुत ज़्यादा लैक्स है तो ब्रेकीप्लास्टी करनी पड़ती है. नाउ ब्रेकीप्लास्टी इज़ ए वेरी सिंपल सर्जरी जिसमें कि आर्म में अंदर की तरफ एक कट लगाया जाता है और जो भी एक्स्ट्रा स्किन है उसको निकाल के यहीं पर क्लोज कर दिया जाता है. नाउ बिकॉज ये एरिया हिडन रहता है, ये आपका इंसिजन बाहर से किसी को नहीं दिखता है एंड वॉट यू गेट इज टोन्ड आर्म्स where your skin doesn't lose, it is not sagging and you can wear your whichever dress you like and showing off your arms in a very graceful manner. Brachyplasty में जो scar होता है वो अंदर की तरफ hide हो जाता है. Arm liposuction में जो healing है it is like any other body part जहाँ liposuction होता है. आप pressure garment पहनते हैं, first second day there is some pain discomfort which is taken care by medicines. अगर आप medicine खाओगे तो कोई बहुत ज़्यादा pain नहीं होता है. उसके बाद आप अपने routine पे वापस जा सकते हो और अपना daily routine activities कर सकते हो provided आप pressure garment पहन रहे हो. Brachyplasty में on the other hand एक incision होता है जिसके sutures around 10 days to 7 days के बीच में कट जाते हैं एंड इसके बाद आप अपना routine काम कर सकते हो. कोई भी gym या एक्सरसाइज एक्टिविटी हम 3 हफ्ते के लिए मना करते हैं. आफ्टर 3 वीक्स यू कैन डू योर जिम, यू कैन डू योर एक्सरसाइजेस एंड गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ. कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है चाहे आप आर्म लाइपोसक्शन कराएं या फिर ब्रेकीप्लास्टी कराएं. द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विद आर्म लाइपोसक्शन इज ब्रूजिंग, क्योंकि एरिया छोटा होता है. लाइपोसक्शन के कैनला के रगड़ लगने से कई बार ब्रूजिंग हो जाती है विच इज़ रिजॉल्व्ड इन 2 to 3 वीक्स. अदरवाइज सिरोमा के चांसेस बहुत कम होते हैं आर्म लाइपोसक्शन में. ब्रेकीप्लास्टी में द चांसेस ऑफ हेमेटोमा या फिर इन्फेक्शन आर वेरी लो बिकॉज आजकल हम बहुत ध्यान से क्लोजर करते हैं और एंटीबायोटिक्स की वजह से इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है. सो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज कॉस्मेटिक सर्जरीज, दे आर वेरी सेफ. अगर आप इन सर्जरीज के बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे जो फ्लैश कर रहा है नंबर उस पर कॉल करें. माई टीम विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू आउट इन योर कॉस्मेटिक सर्जरी जर्नी. थैंक यू, बाय बाय.